ओम नागाधीश्वर विष्ठराम फणि फनुक्तम सोरुरत्नावली भास्वद देहलताम दीवाकर्णिभाम नेत्रत्रयो युद्धाशिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वगेश्वर भैरवांग नीलयाम पद्मावती चिंतये। ओम ऋषुर्वाच इत्याकर्ण बचो दिव्या सदूतो अमर्ष पूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्य राजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् अकर्णासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपम धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तमानय बला दुष्टां केशाकर्षन विह्वलां तत्परित्रानदः काचित् यदि वोति अष्टते अपरः स्वहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। विशुर्वाच तेनाज्ञप सततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचन मृतो खष्ट्या सहस्त्राणाम् असुराणाम् द्रुतमेव सदिष्ट्वा तां ततो देवी तोहिनाञ्चल संसिताम् जगद्दोचे प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयो न चेत प्रीतियाद् भवति मद्भर्तारमुपश्यति ततो बलान् नयामेश केशाकर्षन विह्वलाम्। दिव्युवाच दैत्येश्वरेण पहितो बलवान बल संवृतः बलान्य सीमामेवं ततः किंते करोम्यहम्। ऋषुर्वाच इत्युक्त्वा सो अभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचन हुंकार नैव तं भस्म सा चकारम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायिकेस्तक्ष्णे अस्तथा शक्ति परसुदे ततो धूततः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहना काचित् कर्प्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरे नान्यान् स्वजघान महासुरान् केन साचित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विचिन्न बाहो शिरसा कृतास्ते तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धृतकेसर क्षरेण तद्बलं सर्वं क्षयं नितं महात्मना तेन केसरीना देवा बाहने नाति कोपिना सित्वा तम सुरम देव्या नेतम धूम्रलोचनम बलम च छैतम कृत्सनम देवी केसरीना तथा चुकोप दैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधर आज्ञापयामास च तौ चंड मुंडो महासुरो हे चंड हे मुंड बलेर बहुभिर परिवारत तत्र गच्छत गत्वा च सा समानियताम लघु केशेश्वा कृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैर सुरैर्विनिहन्त्याम् तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातते शीघ्रम आगम्यताम बद्ध्वा गृत्वा ताम थाम्बिकाम। ओम।